इस्पात नगरी भिलाई के निजी होटल में राष्ट्रीय मानव अधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग का राज्य स्तरीय सम्मेलन एक दिवसीय किया गया। यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मेहताब राय विशेष रूप से शामिल रहे। मानव अधिकार क्या है व समाज के लोग इसका कितना, कैसा और कब लाभ ले सकते हैं, साथ ही उनके अधिकार क्या है, इसे लेकर एक दिवसीय राष्ट्रीय मानव अधिकार व सामाजिक न्याय आयोग का राज्य स्तरीय सम्मेलन भिलाई के निजी होटल में आयोजित किया गया। सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर महताब राय प्रमुख रूप से शामिल रहे। वहीं DSP शिल्पा साहू व साथ ही महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष दीपान्विता बोस सहित बड़ी संख्या में गणमान्य शामिल रहे। सेमिनार में मानवाधिकार के प्रति लोगों में जागरूकता लाने जैसे विषयों पर चर्चा की गई। अतिथियों ने सम्मेलन को लेकर इस तरह की जानकारी मीडिया के समक्ष दी है। जी मैडम, ये राज्य स्तरीय आज सम्मेलन है। राज्य में जितने भी हमारे हमसे लोग जुड़े हुए हैं, जो सदस्य हैं, उनके एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। बता रहे हैं कि कैसे समाज के बीच में जाना है, लोगों के बीच में जाना है, उनके कैसे काम आना है, इस तरह का कुछ कार्यक्रम। देखिए, समाज के सभी तबके के लोग जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई भी जाति, धर्म, मजहब की बात नहीं है, इंसानियत की बात है। और इस संस्था के बारे में मैं आपको बता दूँ कि अभी तक 10,000 यूनिट से ज़्यादा ब्लड हम लोगों ने आर्मी को दिया है और मैं खुद बॉडी डोनर हूँ। हम लोगों को भी आग्रह करते हैं, हमारे संस्था से एक मैडम भी आई है, वो भी खुद मैडम के सामने ही बात, वो भी बॉडी डोनर है, 40-42 बार तो मैं ब्लड दे चुका हूँ। तो इस तरह हमेशा सामाजिक काम करते रहते हैं हम लोग। और यहाँ जो लोग भी आए हैं आज, पूरा छत्तीसगढ़ से मैडम के सामने ही लगभग 10 जिले के तो लोग यहाँ हैं मेरे ख्याल से, तो सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है और रखेंगे भी। वो एक दूसरे लोगों से जुड़े हुए हैं। सामाजिक कार्य करना, लोगों को काम आना, लोगों को सुख दुख में काम आना, किसी भी तरह से कहीं कोई सताए जा रहा है तो हमारा काम है कि मैं पुलिस प्रशासन को, जो लोग बहुत नहीं पहुंच पाते हैं, इनको ले जाके पुलिस प्रशासन के पास अपनी की बात रखवाना और इनकी कोशिश करना कि भाई इनको इनकी समस्या का समाधान हो। मैडम, तो इस तरह का अगर घृणित काम है तो राजनीतिक से लेके सामाजिक से लेके सभी स्तर में हो रहा है। ऐसा नहीं है कि 100 में 100 सही है, लेकिन उसमें कुछ सही भी हैं, कुछ गलत भी हैं, तो ये सब तो चलता ही रहता है। उसमें कुछ किसी को कैसे टोक सकते हैं, हम कैसे रोक सकते हैं। हाँ, ये है कि हम अपनी गारंटी ले सकते हैं, हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। कोरोना काल में लगातार 2 साल हम आसनसोल में, हमारी अभी भी रोटी बैंक चल रहा है, आप पता कर सकते हैं, हम फ्री लोगों को खाना खिला रहे हैं। तो हमारा अपना जो काम है, जो फ़र्ज है कि लोगों को हित में काम आना, लोगों को सुख दुख में काम आना, वो हम अच्छा ढंग से निभा। बिल्कुल, आज जो मौका मिला यहाँ शामिल होने का, इनके सदस्यों से मिलना हुआ, सभी कार्यकर्ताओं से, ये लोग निस्वार्थ भाव से जो है मानव के अधिकार के लिए, उनके न्याय के लिए लड़ रहे हैं और उनके लिए हमेशा तत्पर हैं मदद करने के लिए। तो पुलिस भी आज इनके बीच जो है पुलिस के रूप में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला और उनको भी साइबर फ्रॉड से संबंधित कुछ टिप्स जो है, चूँकि यहाँ महिलाएँ भी थी तो महिला से संबंधित भी जो कुछ हमारे जो रक्षा टीम बताती है जागरूकता से संबंधित, वो भी हमने कुछ इनसे शेयर की बातें की और बिल्कुल एक अच्छा पॉजिटिव माहौल रहा। और हम भी शुभकामनाएं देते हैं हमारे विभाग के तरफ से भी कि ऐसा ही सदा हर लोग जो है मानव के काम आते रहे और मानव के लिए ही लड़ते रहे। और हमारा जीवन ही है जो है, कहीं ना कहीं हर कोई इंसान किसी न किसी रूप से मानव सेवा में लगा हुआ है और ये बहुत अच्छी बात है। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सतर्कता। आप सतर्क रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। आपको किस तरीके से अपनी सावधानी रखनी है, क्योंकि अब के ज़माने में आपका डेटा चोरी होता है। पहले एक समय था जो आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड ज़्यादा ऑफेंस होते थे, अब भी होते हैं, बट उसका तरीका चेंज हो गया, जो कि साइबर फ्रॉड के रूप में नज़र आ रहा है। तो अब सावधानी आप रहेंगे रखेंगे सतर्क रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप इस फ्रॉड से बच सकते हैं। बहरहाल, एक दिवसीय सम्मेलन में बड़ी संख्या में लोग जागरूकता पूर्वक शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।